अपना मैथ वाले ना जाने छिची छिची मेरे घर वाली की ना मैं एक एक जानू जो जो रिश्तेदार सन तो उसमें मेरे 20 के होते हैं, मतलब हम 20 मंजिला केक बनाने वाले हैं, तो इन पे डिपेंड आप बना पाओगे ना बना पाओगे पक्का 20 मंजिला बनने हंस क्यों रहे हो क्लास में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कि उसमें मतलब 2600 व्यूज आ गए थे एक दिन में अच्छा तो मैं समझ गया नवराज ने किया है अब मैं ये उम्मीद में थी अब नवराज और वीडियो कब शेयर करते हैं है नहीं तो आप कहाँ से सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लास पे पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़ में कोई नहीं सीखे सिकुनी वाले गुड आफ्टरनून यार दोस्तों, तो अभी चूक खा ही रहे थे हम, तो हमारे लोकल थलचे से भाई साहब हैं जो LIC पे कार्य करते हैं, तो थोड़ी LIC की स्कीम बता रहे थे। मैंने बोला यार मैं तो खुद समझ लूँ समझ जाओ जितना मेरे पे आता है थोड़ा थोड़ा गरीब, तो कार की किस्त और थोड़ा मतलब महीने के कपड़े वपड़े लेने लायक आता है मेरे पे, अभी ज़्यादा नहीं आता है, और उसके अलावा जो भी है जो हमारे पूरे पहले के प्रोग्राम सारे सेट हैं। गरीब लोग के पास कहाँ इतने रुपये उपये यार, दुई वक्त खान खाव रहता है ब्याल उसी में ख़त्म हो जाता है। ये तो परसों पापा की स्कूटी ली उसी में ख़त्म हो गए सारे रुपये, अभी एक रुपया नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे नमस्कार तो यहाँ पे सर भी हंस रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, तो मेरे जो रिश्तेदार है ना बहुत अमीर हैं, तो मैंने वो सारे रिश्तेदारों के नंबर इनको दे दिए, और मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे ख़तरनाक रिश्तेदार है ना उनका नंबर टॉप में रखा है। मेरे को रखते हैं ब्याज दिन में कहते रहे ना पॉलिसी भरो पॉलिसी भरो पॉलिसी भरो, फिर उनसे भरवाने हैं, मेरे पास है नहीं। तो मजाक रहा, खैर मजाक से हट के काफ़ी अच्छे हुआ है यार इनके पास जो रिसेंटली LIC के अपने जो आते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे प्रपोजल इनके पास। तो आप लोग भी अपने लाइफ के लिए करें, क्योंकि यार हमारा क्या है ना थोड़ा बहुत जो गरीबी लायक जितना बचत होती है कर रही है, उसके अलावा तो ज़्यादा गुंजाइश फिलहाल है नहीं। तो बहरहाल यार चाय पी लेते हैं, चूक खा लिया, तबीयत बहुत डाउन है, तो धूप वगैरह सेक लेते हैं, फिर मिलते हैं शाम के समय, क्योंकि आज जो मेरा शाम का प्रोग्राम है काफ़ी बेहतरीन है। कहाँ जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ वहीं जाके बताऊँगा। तो यार दोस्तों पूरे दिन भर की भरपूर धूप ले ली, इसके बाद शायद ही घर पे बैठ के धूप ले सकूँ, क्योंकि अब से बहुत व्यस्तम शेड्यूल होने वाला है। जो बीच में काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगी थी, बीमार हुआ था सफ़र की वजह से, वो लगभग लगा अभी ठीक है, हालांकि अभी भी उतना असर नहीं है, ठंड अभी भी है, अंदर से दिक्कत तो रही बट। और यहाँ पे देखो माता जी और पिताजी, आप पिताजी ने इस वाले कुटेले से गुड़ाई की थी तो माताजी दिखा रहे हैं। दरअसल पिताजी को घर के काम का अनुभव थोड़ा कम है, तो धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहे हैं घर के, उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाएंगे, और जैसे बहू आएगी तो फिर तो और इजीली हो जाएंगे, बुआरी साहब होता ही है ना। तो बहरहाल यार चलता हूँ हल्की बाजार की ओर, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद, तब तक बने रहे, बाय बाय, टेक केयर, चलो चलते हैं, हंसी कर दे आप हंसी, बाय बाय। दोस्तों जब से स्कूटी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे कार की हालत देखो यार, रोड साइड पे रहती है तो ऐसी कुछ हालत हो गया तो धोनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ही गंदी हो रही है यार ये, तो इसको धोना ही पड़ेगा यार, कब से क्या कहने आई तू किसको, अरे खाद भट्टी है मैंने, यही तो कह रहा था अभी मैं भी जो करो और देखिए हाँ लून तेल और बस तीन चीजें, और डॉन जा लग रही तू क्या ऐसे ऐसे चल के आ गया। हमारे बीच हमारे बर्थडे बॉय आ चुके हैं, विराज उर्फ बासु गाड़ूमा, हैप्पी बर्थडे, जय बोल दे, थैंक यू बोल, जीते रहो, कैसे हो सारे, बहुत प्रणाम नाना जी, ओ यार तल में रोना जो यार, मुकेश के पापा कैसे बताऊं, लंबे लंबे वो भगवान जी राजी सार दिखे यार, पंथल वाला चार अपना मैथ वाले ना जाने छिची छिची मेरे घर वाली की ना मैं एक एक जानू जो जो रिश्तेदार सन हचे का।
घर वाले है तैयार कहना हुआ हम खाली घूम रहा। अरे ना मैच बैठा रहने को कैसे हो? कौन सा साल लगा? तीसरा। कितना बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है इसको, देखो सूर्य देवता सर पे मतलब मुकुट की तरह विराजमान और हमारे बर्थडे बॉय। कैसा लग रहा है आपको बर्थडे? कैसा महसूस कर रहे हो? स्माइल कर दे। कैसा आज आपका जन्मदिन है, कैसा लग रहा है आपको? 15 साल बाद हूँ ये दिन याद कर ले तो तिरका हुआ। मेरा नाम नवराज सिंह भैसोड़ा, आपके पड़ोस में रहता हूँ, यही पैदा हुआ था मैं। बलती रखो भाई मेले चल पम थोड़ भालना जब मैं मुख दिखो। ए तेरी शादी में क्या था मामा? तेरी शादी में क्या था मामा? हमारे भांजा भांजी और दीदी, ये देखो यो। मैं दोस्तों मुझे थल पे बुलाया गया था कि यार हमने मतलब कप केक है केक वगैरह है, तो मैंने सोचा कंट्रोल करूंगा, मतलब मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं सा दिखाऊंगा कि मैंने खाए हैं केक। लेकिन यार खाओ तुम क्यों आप इसे ला रहा हूँ ना चाहे मैं तो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है? ये तो तुमने खाया नहीं होगा कभी, मैं भी आज ही देख रहा हूँ। ये तो चॉकलेट लग रही, ये चॉकलेट बढ़िया रहेगी मनी। ये चॉकलेट थोड़ा कम बढ़िया है। प्लम केक, पुलम नहीं रे, पुलम नहीं, प्लम प्रोनाउंसिएशन सुध लेना। ये वाला अच्छा। और ये तुम्हारा टी टाइम केक चॉकलेट में। टी टाइम भी कोई केक होता है क्या? टी टाइम मतलब टी के साथ खाने वाला केक, तुम इसको खाओगे चाय के साथ? टी टाइम केक अच्छा। और योगी व्यू, ये तुम्हारा चॉकलेट, रिच चॉकलेट, रिच चॉकलेट। और ये कपकेक, कैरेमल। हाँ ये पाइनएप्पल, ये गुड़ वाला आटे का सिंपल टी टाइम केक, हेल्दी। देखो दोस्तों व्यक्ति जितना अमीर होता है तो उसके शौक उतने बढ़ते हैं। जैसे मेरे घर में मेरे को दो ही चीज पता है, एक सुबह का खाना है एक रात का खाना। दिन में सिर्फ चूक खनुए टी टाइम केक, फिर डिनर टाइम केक, मतलब पता नहीं क्या क्या है यार। तो थोड़ी देर बाद इनके जितने भी स्टूडेंट हैं इनसे परिचय कराएंगे और बाकी थोड़े दिनों में सारे लोग आपको थल में दिख जाएंगे, खुद में मतलब केक बेचते हुए व्यवसाय करते हुए। तो ये कुछ है यार। तो आपकी फाइनली मुलाकात कराती इस इवेंट की मैनेजर और जो प्रमुख हैं सपना कठैत भाभी जी, तो इनसे जानना चाहेंगे कि जो इन्होंने शुरुआत की यार केक बनाने की, हालांकि पहले से बनाते थे केक, तो महिलाओं को आप केक बनाना सिखाएं, ये ख्याल सबसे पहले कब आया? 2-3 महीने पहले। अच्छा, मतलब क्या लगा आपको मतलब सिखाना चाहिए? मतलब मुझे आता है तो इन लोगों को भी आना चाहिए, मतलब ये लोग बाहर निकले घरों से। अच्छा, कुछ करें, ऐसा नहीं करना चाहिए हम खाली बैठे हैं गॉसिप कर रहे हैं, है ना? तो कुछ ना कुछ इनका मतलब मन में तो इच्छा होगी हम भी कुछ ऐसा काम करें जो अच्छा लगता है और उसे अर्निंग भी हो जाए। तो अब फिर मैंने यूं ही एक बार डाल दिया कि जिसको सीखना है तो आप जो जो इंटरेस्टेड है आपके सामने है ये लोग, इतने लोग। ठीक ठीक, कुछ क्वेश्चन मैं इनसे ऐसे ही पूछूंगा जो आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड होते हैं। जब आपने शुरू करा तो कुछ ऐसे कमेंट आएगी, क्या कर रहे हो, सिखा लोगे, थल में कितने आएंगे, कुछ आया सर? ऐसा तो कुछ नहीं आया, एक आया कि मतलब कितने दिन में सिखाओगे, मैंने कहा 15 दिन में। अच्छा। तो 15 दिन में ही सीख जाएंगे, ये क्वेश्चन जरूर आया सबसे। ठीक हो गया, शायद इन लोगों के मन में भी यही आया होगा कि 15 दिन में ही कैसे सीख जाएंगे वाली बार। लेकिन जब हम 15 दिन में सीखने लगे वो 15 दिन भी ज्यादा लगे। अच्छा, सीखने के बाद? हाँ, सीखने में हमें वो भी ज्यादा लगे क्योंकि बस ये चीजें सीख ली फिर प्रैक्टिस के ऊपर था। ठीक ठीक, समझ लीजिए 10 दिन में सीख लिया फिर 5 दिन प्रैक्टिस किया। अच्छा, फिर तो उसके बाद भूलना ना भूलना इनके हाथ में। अब ये इसके बाद 15 दिन के बाद ये अब साल भर तक बनाएंगे नहीं तो इनके हाथ में है कि अब भूलते हैं या नहीं। और मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। परफेक्ट है ना। तो अब इनके टीचर से हटते हुए आप यहीं पे रहना, इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग एक केक मतलब अपने घर पे खाली बनाने के पर्पज से सीखा है, कल के दिन सेल करोगे, दुकान खोलोगे या घर से बेचोगे? देखी जाएगी जो भी होगा। मतलब आपका आपका क्या है? हम दुकान में दे रहे हैं। अच्छा, आप बना के सप्लाई भी करने लग गए? देने लगे हैं तो क्या बात है यार। आप भी दुकान पे देने लग गए? आप अभी मैंने तो दिया नहीं, इसकी डिमांड आ रही है लेकिन डिमांड की वजह से थोड़ा। अच्छा, सामान मंगा लिया इसने। आप ये न्यू स्टूडेंट है, अच्छा, इनका लास्ट दिन है। ठीक ठीक, इन्होंने फिलहाल ये सब बनाया, अब ये भी सेल करेंगे। और आप? मैं भी जाती हूँ सेल ही करें अपने पर्पस। जैसे कि मेरे ब्याह हो मेरे केक हो मैं कह दूं डिमांड इससे लोग हैं।
मेरे तो दिक्कत हो जाएगी यार, सारे सब्सक्राइबर हैं। अरे शादी के बाद बहुत चीज और होंगे तुम्हारे, एनिवर्सरी, फर्स्ट मंथ। जैसे मेरे 20 के होने वाले, मैंने आपसे बोला 20 मंजिला केक बना दोगे, बना पाओगे? सब बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके 20 मंजिला हो जाएगा। पक्का? तो दोस्तों मेरे 20 के होते ही मतलब हम 20 मंजिला केक बनाने वाले हैं, तो ये इन पे डिपेंड, आप बना पाओगे? बना पाओगे, ठीक है, पक्का 20 मंजिला बनने हैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो यार जो मेरा मेन मकसद था यहाँ आने का, ये था कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, कि मतलब आजकल क्या है ना, गृहणियों का मतलब एक दौर ऐसा था कि जब ये जताया गया था कि यार महिलाएं सिर्फ घर के काम के लिए बनी है, बाहर नहीं कर सकती। तो आज की डेट में जो सपना भाभी जी है, इनका खुद एक दुकान ही संभालती है, उसका स्वामित्व करते हैं, जो इनके हस्बैंड है वो टीचर है, लेकिन जो दुकान है यही संभालते हैं, बीके प्रिंटर करके। तो वहाँ पे जितने भी आपके ऑनलाइन काम है, सरकारी काम है, सारे नेट से रिलेटेड काम ही करते हैं। आपके बारे में सबसे पहले मुझे जानकारी मिली दीदी के माध्यम से कि थल में पूरे पिथौरागढ़ क्षेत्र का सबसे बढ़िया केक बनता है, वो थल में बनता है। अब मैं टेंशन में आया, मैंने कहा मैं खुद थल में, थल में कौन बना रहा है ऐसा केक? तो मैंने पूछा कौन है वो, तो उन्होंने आपका नाम लिया, तो मैंने फिर आपसे कॉन्टेक्ट भी किया शायद कि आप केक बनाते हैं। मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने आपका दो बार ही डाला ब्लॉग में, कौन बोलेगा वो सनियार? तब मैं मतलब तब से सोच रहा हूँ यार, नवराज के बारे में तारीफ करो करो, उसको बोलो मांग नहीं रहा हूँ, मैंने दो बार आपका कंटेंट डाला है, तारीफ करो क्या? हाँ यार, हाँ तारीफ करो। वही हाँ, मैं बोलूंगा पक्का। सही बात है, नवराज की वजह से मेरा बहुत मतलब आज क्यों रहे हो, क्लास में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, और लोगों ने भी काफी लोगों ने मतलब उसमें खासकर, हाँ एक दिन मेरा इंस्टा का एक रील होगा, अच्छा, तुमने शेयर किया था ना, ठीक ठीक, उसमें 2000 मतलब व्यूज एक ही दिन में आ गए थे। मैं उससे पता चल गया था, नवराज ने ही उसको शेयर किया, तुमने कहा था मैंने शेयर किया, फिर मैं समझ गई उसमें मतलब 2600 व्यूज आ गए थे एक दिन में। अच्छा, तो मैं समझ गई हाँ नवराज ने किया है। अब मैं ये उम्मीद में थी, अब नवराज और वीडियो कब शेयर करते हैं? क्या बात है यार, ये तो यहाँ पे तंजी कस दिया बिल्कुल, अब से सारी रील आपकी शेयर होंगी। और पड़ेगा नहीं, मेरे मम्मी को घर ले लाया था, तब आया मैं, ये जो बचेगा मम्मी भी घर ले लाना। अब ये केक जो बनाना है, जरूरी नहीं शॉप खोल के ही किया जाए। हाँ वही चीज है, ये जानना है, ये बता दो आप मुझे। ठीक है ठीक है, अच्छा, लोगों को जरूरत है, हर कोई बाहर नहीं बेचना चाहता है ना, ठीक हो गया, तुम दुकान में बैठो या जॉब करो, तो ये घर से अपना काम, अपने बच्चे संभालते हुए ये काम कर सकती है। ये चॉकलेट केक है, ठीक हो गया। ये मैदे का है, ये मैदे का है, ये भी टी टाइम केक है, चॉकलेट वाला टी टाइम, हाँ आटे का, ठीक हो गया। ये भी आटे का ही, हाँ ये कोवल केक था, आप बताओ। मैंने तभी तो पकड़ा क्या कि जो केक कोने में खाब लड़बड़ी में ले लड़बड़ी। हाँ ठीक है ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। सिंपल केक है, ठीक है, पाइन एप्पल केक है, एक चॉकलेट कप केक है, कप केक है, और वो भी टी टाइम। ये दो मैदे वाले सब आटे वाले ना, तो ये सारे केक एक ही ने बनाए, अलग अलग ने बनाए? ये आपने बनाया? अच्छा, ये दोनों ने मिले हैं आज पर, ये बनाए, ये दोनों ने ही वाला बनाया? हाँ, ये वाले, ये इसने बनाया चॉकलेट वाला। अच्छा, ठीक ठीक हो गया, भावना भावना। और ये दोनों ने मिलके बनाया, ये भी और ये सारे इन दिन ले की करी, ये ओल्ड है तो ये अभी लाए नहीं है। मैं एक बनाया सुबह, वो ले गए तो मतलब यार मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि क्लास ले 15 दिन हो रहे हैं केक ले बेचने में ज्ञान, जबकि आज इनका टेस्ट था यहाँ पे। मतलब ये डिस्प्ले डिस्प्ले की हमने इनको बुलाया था, सैल्यूट है, रियल में सैल्यूट है, इनके टीचर को रियल में सैल्यूट है यार, 15 दिन के अंदर केक ले बेचने में ज्ञानी। तो आप भविष्य में स्कूल पढ़ाना जारी रखोगे? अच्छा, ये होम बेकरी है, मतलब ये घर से ही करेगी। नहीं, अगर इससे आप लाखों कमाने लग गए, स्कूल फिर भी पढ़ाओगे? हाँ। तब तो सोचेगी, तब तो सोचूंगी, है ना। तो यार दोस्तों यही कुछ कवर करने के लिए मैं आया था, थल की बाजार है और यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। कैसे हो? ठीक है, आप बताओ? मैं भी बढ़िया। तो आप कहाँ से सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लास पे? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में कोई नहीं सीखे, एक शिकुनी वाले। शिपो यार, पिथौरागढ़ वाले कैसी बेइज्जती। क्या बात है यार, वो भैसा। चलो हम मजाक कर रहे हैं आपसे। तो आपने कितने दिन की क्लास ली थी इनसे? 15 दिन की। अच्छा, 15 दिन कंप्लीट हो गया आपको, तो सीख लिया आपने केक बनाना? हाँ लगभग सीख लिया। अच्छा,
फीस एडवांस में जमा कराई अब दोगे? फीस क्लास के बाद दिया। क्लास के बाद दिया? तो आपने केक नहीं बनाया क्या कोई अभी? अच्छा मैं भी पिथौरागढ़ी रहता हूँ, कोई बच जाएगा तो मेरे को बता देना केक। पक्का पक्का। तो यार ये इनके स्टूडेंट थे, तो ऑनलाइन देखो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के जितने भी बच्चे हैं इनके रिजल्ट, उसके अलावा ऑनलाइन। रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और कहाँ से बच्चे आपके पास? लखनऊ। फिर